लो तब तक ये सब खाइए, मैं जल्दी से ईशानी अनोखी को लेकर आती हूँ। सिद्धि, सिद्धि कहाँ जा रही है? रुक तो सिद्धि, ये कहाँ चली गई? वो सिद्धि कहाँ गई है? इस वक्त मौसम भी खराब हो रहा है बाहर, आपका झगड़ा हुआ क्या? कुणाल भैया गुस्सा छोड़िए, अभी वक्त देखिए, वो इस वक्त घर से बाहर गई हुई है। आपको अरे कुछ नहीं होगा, उसे आ जाएगी वापस, बिन बताए कहीं भी जाने की उसकी आदत है। होगी आदत, लेकिन आपको उसे रोकना चाहिए था। सीमा तू बीच में मत पड़, तुझे नहीं मालूम उसने क्या किया। भैया बातें सुलझाई जा सकती, लेकिन अगर सिद्धि को कुछ हो गया ना तो वो नहीं सुलझाया जा सकता। भैया कहा सुनी होती रहती है, मैं मानती हूँ कि उसने कुछ कह दिया होगा, लेकिन नादानी में कहा। वो नादान नहीं है, वो अच्छी तरह जानती है वो क्या कह रही है क्या कर रही है, और इतना ही गुस्सा है ना, वो जाना चाहती है जाए, मैं क्यों रोकूं? ऐसा नहीं होता है कुणाल भैया, जिद और गुस्से में इस तरह से फैसले नहीं लिए जाते। मैं मानती हूँ कि सिद्धि ने गलती की होगी, लेकिन उसे नहीं रोक के ना भैया आपने ज्यादा बड़ी गलती की है। वाह, तुझे भी लगता कि मैं ही गलत हूँ? वो कुछ भी कर ले, उसके मन में जो आए वो करे, ना पूछे ना बताए, किसी की परवाह ना करे, ना मेरी ना अपनी ना होने वाले बच्चे की, और ये उम्मीद करे कि मैं नाराज भी ना हूं। जाना है जाओ, नहीं रोकूंगा मैं। मनमानी करने की ना उसकी आदत है, किसी की परवाह नहीं करती है वो। लेकिन भैया सीमा, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, ना मेरी ना अपनी ना होने वाले। तुम जिंदगी ऐसे जीना चाहती हो ऐसे जियो, किसी को कुछ मत बताओ, मन मर्जी करो अपनी। एक ही घर में एक ही कमरे में इस तरह कैसे रह सकते हैं? पहले भी रहते थे, दो अजनबियों की तरह वैसे रहेंगे। किसी चीज से टकराई तो थी,
कॉफी। देख मुझे पता है कि तुम लोग झगड़ा नहीं कर सकते, अब सच बता बात क्या है। भैया मैं आपसे सच कह रही हूँ, हमारा झगड़ा ही हुआ है। अब झगड़ा हो भी गया तो क्या हुआ, तुम लोग झगड़ते भी हो तो बच्चों की तरह, पल में रूठे पल में माने। छोड़ना सिद्धि, ये गुस्सा और अकड़ कुणाल जी पर अच्छा लगता है, तुझ पर नहीं। और वैसे भी तू कितना भी गुस्सा दिखा दे, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं, मन ही मन उनका वेट कर रही है, और देखना वो आएंगे भी। अब और वैसे भी तुझे घर से निकले 2 घंटे हो गए, तो इसका मतलब वो कभी भी आ सकते हैं, वो तेरे बिना 2 मिनट नहीं रह सकते, तो सोच अब उनकी क्या हालत होती रहेगी। भैया बहुत खुश रहेंगे वो, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, उन्होंने मुझसे इतना कुछ कहा जो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। अच्छा तो अब ये भी बता दे कि तूने उनसे क्या क्या कहा। हाँ मैंने भी बहुत सुना है, पर भैया पहले उन्होंने ही मुझसे बुरा लग रहा है ना, उनसे पर्सनली मिलके सॉरी बोलना चाहती है। अगर वो आके सॉरी कहे तो कुणाल और मुझसे सॉरी कहेंगे? कभी नहीं भैया, उनका गुस्सा कम हो सकता है लेकिन अकड़ कभी नहीं। अब अकड़ का तो पता नहीं, लेकिन हाँ प्यार में उनके कोई कमी नहीं है, देख लेना वही आएंगे तुझे मनाने। नहीं भैया, और अगर वो आए तो भी मैं उनसे सॉरी नहीं कहने वाला। अगर मैं उस घर में वापस भी गई तो सिर्फ ईशानी के बर्थडे की, लेकिन मैं उनसे सॉरी नहीं कहूंगी। जाइए, वही होंगे, आप बहुत वेट कर रहे थे ना उनका, आ गए। हाँ हाँ तुझे तो उनका इंतजार था नहीं। हाँ लेकिन अभी नहीं भैया, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। आइए, हम सिद्धि चोपड़ा को अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट करने किस लिए, क्या किया सिद्धि ने? ये हिट एंड रन का केस है, इन्होंने जिनका एक्सीडेंट किया था वो मर चुका है। हम इन्हें रोहित टकराल के मर्डर केस में अरेस्ट करने आए हैं। रोहित, रोहित मर चुका? जी हाँ, और आप ही ने उसे मारा है अपने कार से। मैंने मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो कोई बिल्ली थी या फिर कोई? वो रोहित ही था, आपने उसे टक्कर मारकर वही मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी? आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहिए, आप चलिए हमारे साथ। देखिए सर, मेरी बहन एक लॉयर है, और एक लॉयर भला ऐसा कैसे कर सकता है, वो कानून कैसे तोड़ सकता है? क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, फिर चाहे वो लॉयर हो या पुलिस। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद कार से उतर के देखा था, वहाँ कोई नहीं था, ये रोहित की चाल है मुझे फंसाने की, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है। अब कोई अपने आप को मारकर तुम्हें फंसाएगा? कहानी अच्छी है, कोर्ट में सुनाना। हो सकता है कि किसी ने पहले से उसे मार दिया हो, उसकी डेड बॉडी। वो कहीं आप ही तो नहीं, तभी इनकी इतनी साइड ले रहे हैं। आप हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ आप मुझे मत बताइए। हवलदार ध्यान चले ना। सर मेरी बात तो सुनिए सर। भैया देखिए सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सिद्धि सिद्धि तू घबरा मत, मैं कुछ करता हूँ। सिद्धि
तुम उससे दूर क्यों चली गई मेरी बुढ़िया? हाँ, एक गैर के लिए अपने डैड को छोड़कर चली गई। गलती भी तो मेरी है, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन एक खुशी तुझे नहीं दे पाया जो तुमने चाही। हमेशा तुझे उस खुशी से दूर रखने की कोशिश की, तुझे रोकता रहा मैं। बाप रे बाप, चाहिए घर है कि फाइव स्टार होटल? कुणाल, हमारे इस मुंबई वाले घर से भी ज्यादा अच्छा हमारा बैंगलोर वाला घर है। अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि वो मैंने खुद अपने हाथों से बहुत ही प्यार से डेकोरेट किया है, सिर्फ हम दोनों के। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि अभी के बाद हम दोनों उस घर में जाएं। बस हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। जी मैडम। ये टेबल यहाँ से हटाओ, जस्ट डू व्हाट आई सेड, ये टेबल यहाँ से हटाओ। तुमसे दूर तो आ गई हूँ, लेकिन खुद से दूर जाने में अभी वक्त लगेगा। तुम्हारी यादों को भुला दूंगी मैं, लेकिन दिल से मिटाने में अभी वक्त लगेगा। और जब तक तुम्हारी यादें नहीं मिटेंगी ना, तब तक How are you, बेटा? Are you all right? Yep, I'm fine. बेटा वहाँ मन तो लग गया ना तेरा? मन का क्या है डैड? मन तो लगाना ही होगा। वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत है। You know, डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना करियर बनाऊंगी। मैं वो करूंगी जो मैं कभी करना चाहती थी। डैड, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जो चाह उसे मांगे बगैर आपने मुझे दे दी। हर चीज पाने की इतनी आदत सी हो गई थी कि हर चीज मुझे अपनी सी लगने लगी थी। I'm sorry, Dad. मेरी वजह से आपको नहीं बेटा तुम नो डैड आई नो आई ट्रबल यू अ लॉट। आपने मेरी हर जिद को पूरा किया है, आपने मेरी हर गलती पे पर्दा डाला है, लेकिन डैड जो आपने जो किया वो एक बेटी के प्यार में किया, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। डैड, आपने हमेशा मुझे खुशियां ही खुशियां दी, लेकिन मैं आपको कभी कोई खुशी नहीं दे पाई। लेकिन अब बहुत हो गए। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपनी गलतियां सुधारने आई हूं और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूं डैड। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें बेंगलोर शहर कैसा लगा? या डैड, इट्स गुड, न्यू सिटी, न्यू पीपल, आई फील गुड। इतना दूर मुंबई से और कुणाल और सिद्धि से? प्लीज डैड, प्लीज डोंट डिस्कस दैट। डैड, आई एम फाइन। डैड प्लीज, आप रोहित का ध्यान रखिए, मुझे उसकी बहुत टेंशन होती है। और मैं जानती हूँ अपने भाई को, वो ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकता। जैसे इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो वापस लौट आएगा। रघु, बेटा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, बाय डैड। रघु सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर?
सिद्धि हेलो सर, सर प्लीज सर, मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती सर, वो मर्डर नहीं कर सकती सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। बंद कर लो कर सर। चला सिद्धि, सिद्धि तू फिक्र मत कर, मैं कुणाल जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ, इन पुलिस वालों से जरूर कोई गलती हुई है, ठीक है? काश कोई गलती, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है तो। सिद्धि तूने कुछ नहीं किया, तुझे कुछ नहीं होगा, हम बस अभी आते। सिद्धि सिद्धि तू घबराना मत, ठीक है सिद्धि? आप कहिए। ठकराल साहब है? साहब तो हैं घर पे, लेकिन काम क्या है? काम उन्हीं से है। कहिए इंस्पेक्टर, अब कौन सा एग्जाम लगाने आया आप मेरे बेटे पर? अब इतनी रात को क्यों परेशान करने आया, क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसके साथ रोहित का एक्सीडेंट हुआ है। What? रोहित का एक्सीडेंट? कहाँ है वो? कौन सा हॉस्पिटल में? बताइए मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए, कहाँ है वो? रोहित किसी अस्पताल में नहीं है, पुलिस मुर्दा घर में। साहब संभालिए, संभालिए साहब, संभालिए। लग रही है मेरी बेटी बिल्कुल राजकुमारी की तरह। चलो बाहर चलते, सब इंतजार कर रहे। नहीं, मैं पापा का वेट कर रही हूँ। पापा कब आएंगे? मम्मा, पापा मेरा बर्थडे भूल तो नहीं गए ना? आपने उन्हें बताया था ना? बोलो ना मम्मा। मम्मा आप पापा को फोन करके बताओ ना कि मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे सकती, पर उन सवालों के जवाब नहीं जो सिर्फ आपके पास है। अब क्या कहूँ, कितना झूठ बोलूं? बोलो ना मम्मा, पापा कब आएंगे? मम्मा प्लीज, मम्मा पापा को बुलाओ। नहीं आएंगे पापा, ना तुम्हारे लिए आएंगे, ना मेरे लिए आएंगे, ना किसी के लिए आएंगे। समझ में आई बात? अब जिद मत करना। अरे वीरा, मेहमान आने वाले हैं, मुझे तैयार नहीं हुआ अभी तक। बच्चे बेचारे दोनों कितना रो रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अब सीमा क्या जवाब दे उन्हें? जिसकी खुद की जिंदगी एक सवाल बन गई हो, वो अपने बच्चों को क्या जवाब देगी? ये कुणाल जी, उठो उठो। मुझे आपका बर्थडे याद था, कैसे भूल सकता हूँ? फिर आई क्यों नहीं? पापा आप हमसे प्यार नहीं करते। पापा आप कहाँ चले गए थे? हमें आपके बिना अच्छा नहीं लगता। पापा मम्मा बोल रही थी कि आप वापस नहीं आओगे। पापा मम्मा झूठ बोलती है ना? बोलो ना पापा, आप हमसे प्यार नहीं करते। बेटा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ।
तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, पापा को ना बाहर कुछ जरूरी काम है, इसलिए साथ नहीं रह सकते। पापा, हमें भी आप लेके चलो ना आपके साथ। बेटा, क्या है ना, पापा आप दोनों को साथ में नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम है। लेकिन पापा आप दोनों को बहुत मिस करते हैं, बहुत। जहाँ भी जाते हैं ना आप दोनों को मिस करते हैं, और इसीलिए पापा ने आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया है। देखोगी? हाँ, एक और बोलो। हाँ। ये लो, ये आपके लिए, ये आपके। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा है। नहीं, ये मेरा है। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। अरे बेटा, आज ईशानी की बर्थडे है ना, जब आपकी बर्थडे होगी ना, मैं आपके इससे भी बड़ा गिफ्ट लेके आऊंगा। तो फिर आप डायरेक्ट मेरे बर्थडे में आएंगे? नहीं बेटा, मैं ऐसे ही आते रहूं, जब आप बुलाएंगे ना मैं आऊंगा। ठीक है? ठीक है। खोलो। लेकिन मेरी दो ब्यूटीफुल डॉल्स अच्छी हैं। अच्छा बेटा, मुझे अब जाना हो। नहीं पापा, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुको ना, मेरा बर्थडे केक काट कर जाओ ना। बेटा, पापा को कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। पापा, थोड़ी देर रुको ना। बेटा, जैसे मैं इस टाइम आया था ना, मैं फिर से आऊंगा, लेकिन पापा को अब जाना होगा। मुझे पता है, आप उसी आंटी के पास जा रहे हो ना, जिन्होंने आपको हमसे छीन लिया। बोलो ना पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? बेटा, मैं उनके पास नहीं जा रहा, और आपके पापा को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है? आपके पापा सिर्फ आप दोनों के हैं, आप दोनों के हैं। ठीक है? देखिए, आपके पापा ने आप दोनों को इतने अच्छे गिफ्ट दिए, राइट? अब आप दोनों पापा को क्या देंगे? क्या देंगे? अच्छा, एक और, एक और। अब मैं चलता हूँ। बाय पापा। बाय पापा। अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करो। आगे चल के तुम्हें मेरी फॉर्म संभालनी है। आ गए हमारे साहबजादे। अरे बेटा, दिवाली के बाद तुम्हें आप देख रहा हूं मैं। अरे कम से कम छुट्टी के दिन तो घर पर रहा करो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको या मुझे कोई प्रॉब्लम हो। चल, 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 च
तू रोज रात को देर से आता था। बेटा आज तो तू आया ही नहीं, आज क्यों नहीं आया? देख देख आज 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 तेरा डैड डैड तुझे ले नहीं आया। चल चल बेटा घर चल, घर चल बेटा, तेरा डैड बहुत अकेला हो गया, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा मेरे बेटे, मेरे बेटे घर चल, घर चल बेटा। मिस्टर टकराल अपने आप को संभालिए प्लीज। कैसे संभालू इंस्पेक्टर, कैसे संभालू? अरे मुझे संभालने वाला तो ये देखो यहाँ लेटा है, किसे चाहिए था कि ये मुझे संभालता? कैसे संभालू, तेरी बेटी भी मुझसे दूर चली गई, ये तो बहुत दूर चला गया, यहाँ से वापस नहीं आने वाला। एक काम कर टकर, तुम इसको बोलो ये उठे। नहीं उठेगा ठकराल साहब, he's dead। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया ये एक्सीडेंट? मुझे इसका नाम बताओ, कौन है वो? Tell me the name, please, come on, tell me the name। रोहित का एक्सीडेंट किया था वो हमारी हिरासत में। कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे सामने लाओ, मैं मिलूंगा उससे। वो एक लड़की है। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, बेशक वो लड़की हो, मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। सिख बोलो बोलो सच्चे बोलो। सिद्धि चोपड़ा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। मीना जी सिद्धि का नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है? अब वो हाँ अपने एक रिश्तेदार के घर गई है, बस अभी आती ही होगी। ईशानी चलो बेटा केक काटो जल्दी से। नहीं सिद्धि चाची कहाँ है? हाँ उन्हें तो आने दो। सबको उसकी कमी महसूस हो रही है सिवाय तेरे, आज का दिन ही मिला था तुझे उससे झगड़ा करने को। अब जा बच्चों को बता कहाँ है उनकी चाची। कमाल है यार, अगर वो चली गई तो मेरी गलती क्या है? जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है यार, गलती उसकी सुनना मुझे पड़ता है। किसी की केयर करनी नहीं चाहिए, मुसीबत की जड़ वही है। तो भलाई करो ऊपर से सुनो, तुम क्या हंस रही हो? फिक्र कर रहे हैं लोग, मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग। ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, और अगर मन करे तो वापस आ सकती हो। ठीक है थोड़ा गुस्सा कम कर दूंगा मैं, आ जाओ ना यार। अंकल जी सिद्धि। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, अब तुमसे क्या छुपाना, ये कुणाल और सिद्धि छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाते। देखो बेटा कुणाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अब देखो ना घर में खुशी का माहौल है, लेकिन सब लोग सिद्धि को याद कर रहे हैं, और बच्चों ने तो साफ मना कर दिया हम केक काटेंगे नहीं जब तक चाची नहीं आ जाती। अरे कुणाल भी ना ये लड़ता भी सिद्धि से और संभलता भी उसी से, वही है जो इसकी अकल ठिकाने रखती, लेकिन अब वो यहां है ही नहीं। तुम्हारे साथ आई है क्या, लेके आए हो ना उसको? कहाँ है सिद्धि? अब क्या बताऊं अंकल कि सिद्धि कहाँ है। अंकल जी कुणाल जी कहाँ है? कुणाल अपने कमरे में है। कपिल भैया नहीं आई ना सिद्धि? पता था मुझे, यहाँ पे कुणाल भैया इंतजार कर रहे हैं कि सिद्धि उन्हें आकर मनाए, और वहां पे सिद्धि इंतजार कर रही है कि कुणाल भैया आकर मनाए। कपिल जी मुझे पता है कि आप कुणाल भैया से नाराज होंगे, पर उनसे कुछ कहिएगा मत, मैं ही बात करती हूँ उनसे। सिद्धि घर पर ही है ना? सिद्धि घर पर नहीं है,
उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट? लेकिन क्यों, क्या किया सिद्धि ने? पुलिस का कहना है कि सिद्धि ने रोहित टकराल का एक्सीडेंट किया है। अभी भी वक्त है टकराव का, समझा दो अपने बेटे, वरना अगर मैंने कल कुछ कर दिया तो आपको सोचने और इसे समझाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या सिद्धि ने ये जानबूझकर किया? क्या वो ऐसा कर सकती है? वार्निंग दे रही, आखिरी वार्निंग। अभी वक्त है, और अगर अभी भी नहीं संभला आपका इकलौता बेटा, तो कल आपको संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा। सिद्धि ने ये जानबूझकर किया है, उसने मेरे बेटे का मर्डर किया है। गए थे तो साफ कर रहा था। तू बाहर जा, मैं अभी आ रहा हूं। भैया वो ए, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही तुम? कपिल, सिद्धि कहाँ है? दादा ये क्या, अरे घर गई थी ना, कहाँ है, साथ लाए उसको। कपिल, सिद्धि कहाँ है? सिद्धि घर पर नहीं। घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गई, सब चुप क्यों? अरे कोई बताएगा क्या हुआ, सिद्धि कहाँ है? घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सिद्धि को अरेस्ट कर लिया? हाँ। लेकिन क्यों? सिद्धि मेरे साथ मेरे घर पर ही थी, लेकिन तब वहाँ पुलिस आ गई और उन्होंने सिद्धि पर इल्जाम लगाया कि हम इन्हें रोहित टकराल के मर्डर केस में अरेस्ट करने आए हैं। रोहित मर चुका? जी हाँ, और आप ही ने उसे मारा है। रोहित का एक्सीडेंट हो गया, वो भी सिद्धि के हाथ? मुझे वहां जाना होगा। मिलकर आ रहा हूं। एक बाप अपने बेटे से मिलकर आ रहा है। जब कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आज उसे मेरे सहारे की जरूरत है, वो भी शमशान तक जाने के लिए। इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे सब तरह के दिन आते हैं ना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन भी आएगा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं हुआ था यकीन। मैंने कहा उसे कि बेटा उठ, चल घर चल बेटा, उठ जा, जाग जा। लेकिन नहीं,
उसने मेरी 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 बात ही नहीं सुनी। उसने सोता रहा, वही 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 लेटा रहा मेरे सामने। अब मैं उसे डांटता भी था ना, तो चिल्लाता था मेरे ऊपर। आज मैंने उसे डांटा, मैं चिल्लाया उसके ऊपर कि उठ बेटा, तू उठ के मुझे मुझे डांट, लेकिन उठ जा, घर चल। नहीं चला वो घर। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले वापस नहीं आते, चाहे आप उनके लिए कितना ही रो लो, उन्हें कितना ही बुला लो, वो आपके सामने नहीं आते, सिर्फ आपके आपके सपनों में आते हैं। हाँ, लोग तो ये भी कहते हैं कि जो होना होता है वही होता है, जो मरा उसे तो मरना ही था, लेकिन ये सही नहीं कहते हैं लोग। अरे उसे अभी मरना नहीं था, अभी उम्र ही क्या थी उसकी, एक छोटा बच्चा था वो, नादान बच्चा। अभी तो वो जिंदगी को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि मौत ने उसे अपने गले लगा लिया। अरे अब उसकी मां को ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। मरते वक्त उसने मुझसे कहा था कि मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इन्हें बहुत प्यार देना, इन्हें कभी अपने से अलग। वो तो अलग हो गया मुझसे। और ऋचा, अगर ऋचा ने मुझसे पूछा कि उसका भाई रोहित कैसा है, कहाँ है, तो ऋचा को क्या जवाब दूंगा। वो तो यही समझेगी ना कि मैं रोहित को संभाल नहीं पाया, इसलिए भेज दिया मैंने उसे उसकी मां के पास। बोलो क्या जवाब है मेरे पास उसकी मौत का? क्या मैं अपने बेटे को वापस ला सकता हूं? नहीं, रोहित तो मर गया और जीते जी मैं भी मर गया। तुम ही बताओ, मेरे पास है कोई वजह जीने की? है कोई वजह? हाँ बोलो, जवाब दो, कुछ तो बोलो। क्या जवाब दूंगा मैं ऋचा को, और क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाके अपनी पत्नी को? अरे कुछ तो बोल, उस दिन घर पे आके तो बहुत कुछ बोल कर गई थी ना, आज कुछ नहीं बोलना, बोलो कुछ। वो बस एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। तुमने खून किया है, तुमने। चक्रान, जबान संभाल के। सुना तुमने, तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे का खून किया है। उस दिन घर पे आके धमकी दी थी ना इसने, अब वो पूरा भी कर दिया। क्या हुआ, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? अब कुछ नहीं बोलोगे तुम? तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे का खून किया है, अब तुम चुप रहोगे? मेरा बेटा, मेरा रोहित, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया, उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया इसने। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, बदला लेके रहूंगा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी ली है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें सजा दूंगा, सजा मैं दूंगा, कानून से पहले तुम्हें मैं सजा दूंगा, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अगर किसी ने बीच में बोलने की कोशिश भी की, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, समझे?